रिंदु जी, आप यहाँ पहले सर्व करके भी गए हैं और निवाद में कभी कम्युनल टेंशन एज सच नहीं हुई है, कैसे हो गया कि इतनी कम्युनल टेंशन हो गए, कई लोगों की मृत्यु हुई, दर्जनों घायल हो गए, क्या वजह है इसके पीछे? मेवात स्पेशली एरिया है वो बहुत ही भाईचारे और सौहार्दपूर्ण के लिए जाना जाता है और यहाँ का जो एक बहुत ही कंपोजिट कल्चर इस पर्टिकुलर जिले की रही हुई है, जो यहाँ के लोगों में जो जो हुआ है मेन, ये इंस्टिगेशन सोशल मीडिया पे कुछ लड़कों के द्वारा किया गया है, जो एक यात्रा निकाली जाती थी और यात्रा भी एक बहुत ही गौरवशाली यात्रा रहती है जो यहाँ के प्राचीन मंदिरों से होते हुए जलाश अभिषेक के लिए निकाली जाती थी और पहले भी बहुत अच्छी यात्रा निकली है और कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें कुछ शरारती तत्वों ने आपस में सोशल मीडिया के बेसिस पे लड़ लड़ा के और ये हिंसा को अंजाम दिया है। सर, इसमें एक नाम आ रहा है मोनू माने सर का, उसका वीडियो वायरल होता है दो दिन पहले, बकायदा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होता है कि मैं आ रहा हूँ, वो एक वांछित अपराधी है, आप जानते हैं वो वांटेड है, आप खुद भिवानी के एसपी हैं, आपके यहाँ भी राजस्थान पुलिस कोऑर्डिनेट करके गई है, वो कहता है मैं आ रहा हूँ, हम विवाद फतह करेंगे, कुछ और उसके सहयोगी फरीदाबाद पलवल से सबसे बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, कुछ सामुदायिक टिप्पणियां होती हैं, उसके पीछे क्या वजह रही कि आप मानते हैं बहुत बड़ी वजह है वो? नहीं देखिए, इसमें नो डाउट अगर हम सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जिला पुलिस ने उसके हिसाब से तैयारियां भी कर रखी थी और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हिंसा हो सकती है, तैयारियां करी गई थी, नो डाउट कुछ कमियां रही हैं, उसी वजह से हिंसा हुई है और हम इसकी समीक्षा पीएचक्यू लेवल से और उच्च अधिकारी लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग करेंगे कोशिश कि दोबारा इस टाइप की कहीं भी पुनरावृत्ति कहीं भी ना हो पाए। सर, क्या पता चला है मोनू माने सर आया था या नहीं आया, क्योंकि यहाँ हल्ला हो गया कि मोनू माने सर आया था और फिर पत्थर नहीं आया है, अब तक की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे यहाँ पे वो नहीं आया था, जस्ट जो सोशल मीडिया रूमर्स है उसके बेसिस पे ये हिंसा हुई है। कितनी एफआईआर और कितने अरेस्ट हुए? अब तक हमने 16 एफआईआर रजिस्टर कर ली है और कंटिन्यूस अभी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं और उनके बेसिस पे हम एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं और अरेस्ट के जो फाइनल फिगर्स हैं हम शाम तक जो भी डिटेन्ड है उनको कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद में आपको बता पाएंगे।